चलो गड़बड़ी तो है हम लोग दो इंजेक्शन लगे मुझे उसी के हिसाब से बस आजकल बात चल रहा है ओके देखिए ओके अमितेश एनिमल टिशू एनिमल टिशू चार तरीके के होते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू पहले वाले मस्कुलर नेक्स्ट इज बेटा बात मत करो सौम्या थर्ड इज काउ नर्वस टिश्यू और चौथे में देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू इसी ऑर्डर में देखेंगे एपिथेलियल के पांच टाइप बताइए सौम्या एपिथेलियल के फाइव टाइप सो स्क्वामस एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियल स्ट्रेटेड स्क्वामस एपिथेलियल हां स्ट्रेटेड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल क्यूबॉइडल और ग्लैंड ग्लैंड कॉलम और सीलिएटेड नहीं है सीलिएटेड अच्छा वो कॉलमनर ना वो ग्लैंड्स होगी तो ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर कॉलमनर जैसा होगा सीलिया होगा तो उसमें ये लिख दिया जाएगा इतनी बात सही है अच्छा अब मुझे अक्षित ये बताओ कि क्यूबॉइडल टिश्यू कहाँ पाया जाता है लोकेशन क्या है ग्लैंडुलर बता दो हम आप सब पूछते हैं बोलो नहीं पता है किडनी किडनी में पाया जाता है सीलिएटेड कॉलमनर हार्ट अच्छी बात है सृष्टि कॉलमनर ओके कॉलमनर के फीचर्स बताओ साक्षी न्यूक्लियस इज बेसल अदर एंड इज फ्री इसका लोकेशन कहाँ है ठीक है इसको एमएस कहाँ पाया जाता है एकलव्य चीक लाइनिंग माउथ लाइनिंग में होता है ओके और एल्वियोली में ये तीन बात सही बताए ओके नाउ वेयर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस अंशिका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के कुछ फीचर्स बताओ यशिका आप बोलो तो ये बंडल ऑफ मतलब लेयर ऑफ स्किन होती है स्किन में पाई जाती है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है ऊपर से बिकॉज ये डेड सेल होती है और नीचे नीचे न्यूक्लिएटेड होती है नीचे नीचे न्यूक्लिएटेड होती है इस स्क्वैमस के बारे में बताइए यहाँ चलो मैकेनिकल इंजरी से बात किया बहुत अच्छा केराटिन होता है बहुत अच्छा होता है और कुशनिंग इफेक्ट देता है स्क्वैमस बताओ इट इज मेड अप ऑफ थिन बताइए इट इज थिन लेयर इन इनसाइड बताएं सृष्टि इट इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इररेगुलर स्पेस शेप शेप सरफेस ओके नाउ ध्रुव कॉलमनर
अभी तो बताया कॉलम निशान नंबर पूछ रहा हूँ बोलो अंशिका सर इट्स सेल्स आर टॉलर एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन बेस एंड इट्स अपर एंड्स आर फ्री एंड दीज आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन एंड नेसल कैविटी माइक्रोवेली क्या होता है माइक्रोविली वही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन में दिखाए नहीं थे बहुत सारे होते हैं टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोविली समझाएगा ये माइक्रोविली है इंटेस्टाइन का माइक्रोविली इज द कॉलमनर टाइप ऑफ टिश्यू समझ में आ रही बात कि नहीं अचल क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है किडनी में स्क्वैमस कहाँ पाया जाता है यशिका स्क्वैमस ईसोफेगस नोज में मत बोलो नोज में वो जो होता है ना दैट इज कॉलमनर होता है नोज में भी लिखा अच्छा ऊपर के पोर्शन में ना चलो नाउ इतनी बात हमने देख ली अब आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए पांच टाइप के भी थीरियल टिश्यू पल्स है डेली वीकर होते जा रहे हो मतलब जब आए थे आप देखे लगभग सभी में फुल मार्क्स थे और अभी वीक भी होते जा रहे हो और बहुत हैरानी से देखते हो जब क्वेश्चन पूछता कि जैसे नाइन्थ क्लास का पूछा जा रहा है तो फाइव टाइप्स के नर्वस मस्कुलर के तीन पार्ट स्ट्रिएटेड स्मूथ एंड कार्डियक ओके स्ट्रिएटेड स्मूथ एंड कार्डियक जाइलम के चार पार्ट जाइलम पैरेन्काइमा फाइबर एंड ट्रैकीज ठीक है बेटा आप बताइए फ्लोएम के चार पार्ट यशिका बोलो फ्लोएम के चार पार्ट सीड ट्यूब फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर और कंपेनियंस ये तो अच्छा आपने बता दिया एक बात और बता दो कि जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उनके दो पार्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू का वो दो पार्ट है जाइलम फ्लोएम हमें नहीं पता आपको क्या प्रोटेक्टिव टिश्यू सिंपल सिंपल आप बोलो बेटा सर नहीं सिंपल प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव पर कॉम्प्लेक्स बोलो कॉर्क एंड सपोर्टिव के तीन बताओ अर्पिता ना एक और बता दो लास्ट आप मस्कुलर के तीन टाइप बताओ तुम इधर उधर करती रहती हो नंबर पूरे लाती हो क्या ये हम समझ नहीं पाते सभी में पूरे पूरे नंबर ले आते चलो नाउ हम बहुत ध्यान से तुम्हारी काफी चेक करते हैं बट गलती है दैट इज स्क्वेमस और दूसरा क्या है पाइप स्क्वेमस थर्ड क्या है कॉलम नर क्यूबॉइडल और एक कौन सा है ग्लैंडुलर भी है ना
ओके नाउ नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू वी विल सी थ्री पार्ट ऑफ इट मस्कुलर जी मैं आपसे पूछा जाएगा ध्यान से पढ़ो हाँ मैंने कल ही लिखे थे So, muscular tissue, these are striated, smooth and cardiac. ये तीन तरीके की होती हैं. Striated, smooth and cardiac. So, let us see one by one. First is muscular tissue. So मस्कुलर टिश्यू क्या चीज है और ये हमारी बॉडी में क्यों है मस्कुलर टिश्यू सो मस्कुलर टिश्यू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जैसे ये देखो मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी ये हाथ ऊपर उठेगा तुम्हारा हाथ गर्म चीज पे पड़ा हुआ है उठने के लिए इसे कॉन्ट्रैक्टाइल होना पड़ेगा ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये ब्रेन में से मैसेज आता है हार्मोन आता है हार्मोन आएगा इसको ऐसे सिकोड़ देगा टूट जाएगा ऑल अवर मूवमेंट्स जब भी पैर ऐसे हो रहा है यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही तो इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जब भी मूवमेंट होगा तो क्या होगा इट इज मस्कुलर टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू समझ में आ गई बात की नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट होगी इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले देखते हैं सो लिखिए मस्कुलर टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू इज contractile tissue and is made of और किसका बना है muscle cell जिनको muscle बनानी है वो क्या करते हैं वो steroid लेते हैं या protein खाते हैं बहुत जिससे उनकी muscle बन जाए gym करते हैं वो muscle बना लेते हैं ठीक है मसल सेल्स आर इलॉन्गेटेड एंड लार्ज साइज ये कैसी होती हैं जरा अपने बुक में तीनों फिगर देखो क्या ये सभी इलॉन्गेटेड हैं सो मसल सेल्स आर इलॉन्गेटेड एंड ऑफ लार्ज साइज भी है अगर आप एक मसल भी उसमें से निकालेंगे बोन में तो पूरा रेशा निकलेगा लंबी लंबी होती है कि नहीं आ जाइए बेटा फिगर नंबर 6.1 में देखो दिस इज स्ट्रिएटेड मसल्स हेलो हाँ हाँ बेटा बोलिए आज आज नहीं है अभी अगर आके पढ़ना हो तो पढ़ लो ठीक है ओके ओके तो आज रहने दीजिए वो 12th की मैथ्स है तो वो कह रहे हैं 20 पीछे बैठ के करते रहेंगे नाउ स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होती हैं जरा देखते हैं सो बुक में इसका डायग्राम बना हुआ है सो स्ट्रिएटेड का मतलब है स्ट्रिप्स देखी हैं, जैसे जेब्रा में होती है सो धारीदार सो इनमें स्ट्रिएटेड है दीज आर स्ट्रिप्स अल्टरनेट दैट इज डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स ओनली और क्या ये सिलिंड्रिकल है इस तरीके से और क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये देखो इसका न्यूक्लियस
बीच बीच में जहाँ कहीं इसमें न्यूक्लियस दिख जाएगा। ये देखो क्या रहे हो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये कैसी है, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। नाउ स्ट्रिएटेड मसल्स, दीज आर स्ट्रिप्ड एंड वॉलंटरी मसल्स। ये कैसी है बताइए, दीज आर क्या स्ट्रिप्स हैं इनमें? तो स्ट्रिप्ड सिलिंड्रिकल है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है क्या? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटल मसल। और पिता स्केलेटल का क्या मतलब है? क्या ये हमारे बोन से जुड़ी हुई है और हमको शेप देती हैं? हमारे हाथ का शेप ये सब क्या है? ये तो स्केलेटल स्केलेटल हुई ना, हमको मतलब कि बोन के ऊपर जो मसल होती है, बोन पे चिपकी हुई है ये, ठीक है? वो टेंडन से चिपकी है, टेंडन एक ग्लू है, है ना? सही है। कैसे? और ये हमारी बॉडी को स्केलेटल देती है ये, तो समझ में आए कि नहीं? ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारी न्यूक्लियस है। तो यानी ये बोन से चिपकी है, इस वजह से क्या है, दीज आर स्केलेटल। चार फीचर बताओ कौन कौन से हैं? ये चार बताइए, बताइए बताइए जो भी लिखा है। सिर्फ ऑब्जर्वर बन करना नहीं कि मैं विजिटर हूँ, जैसे दर्शक दीर्घा में कोई आके बैठ जाए कि मैं तो देखने आया हूँ कि सब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे ना बोलिए। वहाँ घर में जाकर बताऊँ हाँ वहाँ पढ़ रहे सब, अच्छा पूछा जा रहा है, बताओ जवाबदारी है कि नहीं बैठे हो तो बोलो। स्ट्रिप्ड सिलिंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटल। ये चार पॉइंट हो गए, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्केलेटल है, सिलिंड्रिकल है। अब जरा देखो, एंड दीज आर वॉलंटरी मसल्स। ये हम चाहें तो अपना हाथ उठा लें तो ये वॉलंटरी है। ईसोफेगस में जो ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है क्या उसे आप बदल सकते हो? हार्ट में जो पंपिंग हो रही क्या बदल सकते हो? वो इनवॉलेंट्री है। हाँ, बाकी दोनों इनवॉलेंट्री है। हम जो हमारी मर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा उस ऑर्गन को क्या कहेंगे? विसरल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? विसरल ऑर्गन। दैट ऑर्गन इज नोन एज विसरल ऑर्गन। यानी हमारे जो भी है अंदर में बहुत सारे कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, सिकुड़ना और फैलना, एंड दोज ऑल मूवमेंट्स वो कैसे होंगे? विसरल मूवमेंट्स। ऑर्गन्स का मतलब जो हमारे कंट्रोल में, जो हम ऐसे ऑर्गन्स जैसे हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है तो विसरल ऑर्गन जो नहीं है, हाँ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन्स। सो उसमें इनवॉलंटरी मसल्स होती है, उसमें क्या होती है? कंटेन्स इनवॉलंटरी मसल्स इन ट्री मसल। जैसे कि क्या ईसोफेगस यानी फूड पाइप और हार्ट क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, इट हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स, डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स। दीज आर वॉलंटरी मसल्स। ये कैसी होती हैं? वॉलंटरी मसल। ये हमारी इच्छा पे काम करती है, एंड जो भी हाथ पैर में पाई जाती है तो यही अल्टरनेट डार्क एंड लाइट है। सभी पिंक है लेकिन कुछ डार्क पिंक है रेड और कुछ उसके बीच बीच में कैसा होगा लाइट पिंक। मसल तो हम देखते ही तो वो पिंक ही होगी। ओके नाउ अच्छा अब देखें, ये दीज मसल्स आर फाइब्रस। और क्या इनके दोनों एंड नुकीले हैं, टेपर्ड है कि नहीं? नॉट टेपर्ड। सो दीज आर फाइब्रस इन नेचर।
आर फाइब्रस इन, ऐसा फाइब्रस है कि कुछ लोग हाथ से कार खींच लेते हैं, जैसे नायलॉन की रस्सी हो, हाथ ना हो गया नायलॉन कैसे खींच लेते हैं कि नहीं कार, मतलब ये जो मसल्स हैं, अगर आपके जो हार्ट से निकल रहा है, हार्ट से एक ब्लड जाता है नहीं ऑक्सीजनेटेड, उसको आओर्टा कहते हैं, हार्ट से जो ब्लड निकलता है उसको क्या कहते हैं आओर्टा, अगर आप आओर्टा जो है जिससे ब्लड जा रहा है उसी में पकड़ के बुलेट भी उठा सकते हैं, इतनी मजबूत है, यानी जो इसका वो आप देखिए फाइब्रस इन नेचर, नाइलॉन की रस्सी देखिए कितनी मजबूत होती है, ऐसे हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं इससे पकड़ के बकेट तो उठाते हो, लेकिन कुछ लोग इसी से उठा लेते हैं क्या चीज 250 किलो 300 किलो, अच्छा वो टूटती नहीं है, टूटती नहीं है जैसे नायलॉन की रस्सी है वो, ये नहीं ठक से टूट जाए, तो ये जूट की रस्सी नायलॉन की रस्सी तो फाइबर से बने होते हैं कि नहीं सब, तो ऐसे ही ये कैसी होती है फाइब्रस इन नेचर। अब जरा देखें कहां पाई जाती है, सो दीज आर फाउंड इन लिम्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ आर्म्स, तो कई कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एक बाइसेप बनेगा और फिर यहीं पे कहीं तीन ट्राइसेप्स है, तीन तीन भी कद्दू बनते हैं, ऐसा बोला जाता है कि उनके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर्म्स में जो कद्दू बन रहे हैं यहाँ पर, तो वो दैट इज यहाँ पर, मतलब ये जैसा नहीं होता दो दो बन जाए तो कहेंगे बाइसेप बने, इसलिए अलग होता ही अलग, अभी इसी में दिखाएंगे जो पहलवान होता है ना उनके दो ऐसे बन जाएंगे, पहलवान तो ये दिखाते हैं कि नहीं, और फिर यहाँ पर ये कि पहलवान की ताकत, और फिर ऐसे तो बस सीनरी ड्रॉ करती हूं ऐसे दो पहाड़ और एक खेल ये बाइसेप हुआ, अगर दो बने तो बाइसेप, किसी के तीन बन गए तो ट्राइसेप, इट इज फाउंड इन बाइसेप, बाइसेप एंड ट्राइसेप ऑफ आर्म्स, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, अनब्रांच, और इसके अलावा क्या होगा, टंग में पाई जाती है, टंग में इसके अलावा क्या होगा कि ईसोफेगस में भी पाई जाती है अपर पार्ट, और डायाफ्राम आपने देखा था कल जब आप लंग्स निकाल लेते पतली सी चीज थी, हाँ। में चल नहीं वो डायाफ्राम ठीक है कि नहीं, लगी नहीं थी, मतलब एक बीच में कर। पतला सा नहीं होता है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है जो लंग्स के नीचे एक नहीं होता है कवरिंग, थोरैक्स, वो डायाफ्राम, वो इसी की बनी, लीवर को अलग करता है, जो थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, यहाँ पर डायाफ्राम ऊपर नीचे होता है, वो आप लोगों ने खुद वो देखा था ना, डिसमेंटल किया था, तो वो डायाफ्राम है, इस चीज को लिखें, सो बाइसेप एंड ट्राइसेप्स ऑफ आर्म्स पे पाए जाते हैं ईसोफेगस में, सो इसके अलावा कहाँ पाए जाएंगे, ईसोफेगस में पाया जाएगा, और साथ में टंग में एंड डायाफ्राम, एंड डायाफ्राम, डायाफ्राम में भी पाया जाएगा, जैसे ये देखो ये जो चीज है ये हमारी बॉडी में डायाफ्राम है, सर ये देखो ये जो अलग करता है, अरे यही तो हमसे नहीं लगा था, ये तो मैंने लगा दिया था पहले, ठीक है कि नहीं, ये है कि नहीं डायाफ्राम, ये मैंने लगा दिया था, हेलो चलो ओ मिडम, ये मैंने लगा दिया था, लॉक कर, मुझे नहीं लगा, नाउ सो दीज आर अनब्रांच्ड, ये कैसी होती हैं, अनब्रांच्ड, दीज आर अन ब्रांच एंड हैव पावरफुल रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ये
बहुत तेजी से सिकुड़ सकती है, हाथ आग में लगा नहीं कि झटके से हाथ अटका है। हाँ। नर्व कमांड दे सकता है लेकिन काम मसल सल को ही करना है। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स। अब देखो ये सब तो लगता सर ने छुड़वाई थी। हाँ ये तो कराया। चलिए स्मूथ मसल्स सो स्मूथ मसल्स आपके इसमें बनी हुई है क्या बुक में जरा देखें तो वो स्पिंडल शेप्ड है बीच में बड़ी और इस तरीके से मस्कुलर है तो फाइब्रस ही सब फाइब्रस है तो बोलिए स्पिंडल का मतलब है कि पेपर डेट बोथ एंड्स ऐसा बुक में बना हुआ है। चलिए सो दीज आर अनस्ट्रिएटेड इनमें कोई स्ट्रिप नहीं होती है दीज आर अनस्ट्रिएटेड मतलब अनस्ट्रिप्ड स्पिंडल शेप्ड स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लिएटेड बात न करें आता हो तो भी बात न करें यूनि न्यूक्लिएटेड ऐसे होते हैं ठीक है और दीज आर इनवॉलंटरी एंड दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स वो क्या लिखा है दीज फर्स्ट लाइन में मसल्स फाउंड इन सेंटेंस को पूरा करो दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स फाउंड इन करेक्ट विसरल ऑर्गन्स जैसा नेहा ने बताया ये इनवॉलंटरी है तो कहाँ पाई जाएंगी विसरल ऑर्गन्स में एक्सेप्ट फॉर हाँ विसरल ऑर्गन्स ये अच्छा करता है एक्सेप्ट हार्ट हार्ट इसके अलावा सब जगह पाई जाएंगी ओके हार्ट में कार्डियक है वो बिना खटे पूरी जिंदगी काम करती है जिस दिन थक जाएंगे उस दिन हम मर जाएंगे नाउ अब देखो आईज की आईलिड पे भी स्मूथ मसल्स पाई जाती है ना ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है दैट इज इट इज फाउंड इन स्टमक आईज की जो आईलिड्स होती है जब हम पलके चमकाते हैं तो उसमें भी स्मूथ मसल्स ही पाए जाते हैं ना तो क्या उसको देखना पड़ेगा सर देख ले बॉल कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ना सर वो पता है सर लिख ले है दिखा आईलिड्स है अच्छा आईलिड्स देखो ये जो है आंख में ये जो बीच का पोर्शन है तो इसमें ये पोर्शन क्यूपिड है ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है जैसे सर लाइट पड़ेगी तो सर छोटा लाइट पड़ेगी लाइट पड़ेगी और डार्क हो जाएगा और ये चीज ऐसी है तो छोटा हो गया और ये डार्क है सिनेमा हॉल में गए तो बड़ा हो गया इन डार्क और ये इन लाइट इसको कहेंगे आइरिस इसमें और ये प्यूपिल है ओपनिंग प्यूपिल का मतलब है कि बीच की ओपनिंग समझ में आई बात की नहीं तो बीच में हम पलके झपकाते तो ये भी तो फिर पलकों के बारे में देख लेते हैं कि आईलिड्स में पाई जाती है अब देखो दीज आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखो बात ना करें ऑफ एनी धारीदार स्ट्रिप्ड का मतलब धारीदार धारियां पाई जाए जैसे जेब्रा में नहीं होते हैं या जहाँ रोड क्रॉस करते हैं रोड क्रॉस में जेब्रा लाइंस होती हैं वो स्ट्रिप्स होती हैं सर बट स्ट्रिप है बीच-बीच वो स्ट्रिप्स नहीं वो फाइबर फाइब्रस स्ट्रिप में अल्टरनेट डार्क एंड वैसा होना चाहिए वैसा नहीं है तो ये कहाँ पाई जाती है वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल
यानी आहार नाल, जो खाद देना ही नहीं है, आहार नाल, दैट इज फूड पाई, एसोफेगस, ये भी ठीक कह रही है, आइरिस एसोफेगस, सो आइरिस, आइरिस का कलर अलग अलग होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, वो मेलानिन की वजह से और जेनेटिक्स की वजह से। सही कह रही है। नाउ स्टमक में पाई जाती है, स्टमक में और इसके अलावा जो यूरेटर इसमें पाई जाती है, ये यूरेटर इसमें से यूरिन बन के यहाँ इकट्ठा होता है, ये यूरेटर है, यूरिन, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पाई जाएगी यूरेटर। इसके अलावा ब्रोंकाई में पाई जाएगी, ये जैसे देखो, ये हम लोगों का जो पोर्शन है ये लंग्स है, तो लंग्स के ये वाला पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई, और ये विंड पाइप, समझ जाने की बात, तो इन सब जगहों पे पाई जाती है। कुछ मुझे चार पांच लाइन या अचल बताओ जो हमारी स्मूथ मसल के बारे में। These are unstriated, और लोकेशन बताओ, अच्छा बता रही हूँ लोकेशन बताओ, यशिका बोलो। ईसोफेगस आइरिस, आइरिस वो हमने आई में दिखा नहीं दिया, किसी किसी की ब्राउन आई है, किसी का देखो बोलो। ठीक है, जो जो आता है बताती जाएगी। बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं, बोलो। These are unstripped and these are unstripped spindle in shape and unicellular created and these are involuntary involuntary muscles found in visceral organs except for and these are present in the walls of food pipe, stomach and iris, esophagus and ureter. कितना बहुत अच्छा बताया। स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में कुछ बताओ। These are multinucleated ब्रोंकाई, ये दिखाया, ये दोनों क्या कहलाता है, ब्रोंकाई नहीं ब्रोंकाई। These are stripped multinucleated and these are alternate dark and light stripped fibrous in nature and these are voluntary muscles. सही है, और कुछ बताना चाहेंगे कहाँ पाई जाती है। अनुब्रांकिया
आज ब्रांच भी होती हैं, ठीक है. नाउ थर्ड दैट इज नाउ कार्डियक मसल. कार्डियक ये भी इनवॉलेंट्री होती है. देखो कार्डिया इसका मतलब होता है हार्ट और ये हार्ट और इसी से नाम बना है कार्डिया कार्डियोलॉजिस्ट. ठीक है कार्डियक मसल्स कार्डियक सिस्टम. नाउ कार्डियक मसल का जरा फिगर देखें हमारे में कैसा बना हुआ है. सो कार्डियक मसल्स में ये ब्रांच पाई गई दीज आर ब्रांच इनवॉलेंट्री मसल पाउंड इन हार्ट. और जरा देखें कि तो कार्डियक मसल्स में सर दीज आर यूनिन्यूक्लेटेड दीज आर ब्रांच दीज आर सिलेंड्रिकल एंड इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट इन हार्ट फाउंड इन हार्ट. इसमें भी स्ट्रिप्स होती हैं. स्ट्रिप्स बना दें इसके ओके. अब इसमें देखो ये यूनि न्यूक्लिएटेड है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड. इस तरीके से स्ट्रिप के साथ में एक ऐसे बैंड भी बना हुआ है और उसमें एक न्यूक्लियस है. अभी समझ में आएगा स्ट्रिप्स बना लो तो ब्रांच भी बना लीजिए स्ट्रिप्स भी बना लीजिए और अलग अलग सेल जो है वो इसी में है. ये और जितने सेल बनाएंगे उतने हमें क्या बनाने पड़ेंगे न्यूक्लियस. तो वो जो स्ट्रिप मतलब वो लाइन है वो अलग कर रही है. ये डिफरेंट है. हाँ ये अलग कर रही है. ये जो हमने ये कहा है ना तो इसका मतलब है ये न्यूक्लियस ये एक सेल हो गया उसका ये न्यूक्लियस है ये एक सेल है तो यूनि न्यूक्लिएटेड हो गया कि नहीं है सर. देखो आप अपनी बुक में भी ध्यान से देखो लाइन बनी हुई है एक सर में दिख रहा है नहीं ऐसा नहीं है दिख रहा है कि नहीं. चलो सो कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन हार्ट. दीज आर दीज टायरलेसली वर्क इन रिदम डे एंड नाइट. ठीक है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ लाइफ टिल एंड थ्रू आउट लाइफ. ये टायरलेसली बिना थके ये काम करती रहे. अब देखो गलती लिख दिया ये ना बी है इसको ऐसे बनाना चाहिए. अब देखो नाउ ये स्ट्रिप्ड होती है क्या कार्डियक मसल्स. हाँ स्ट्रिप तो दिख रही ना जेब्रा लाइन. सो कार्डियक मसल शो अभी इसका वीडियो दिखाते हैं. कार्डियक मसल शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ. तो इसमें सर मैं बताऊं कार्डियक मसल आर ब्रांच. सो बोलो ये कैसी होती है. ब्रांच आर ब्रांच सिलेंड्रिकल इन शेप यूनि न्यूक्लिएटेड एंड आर स्ट्रिप्ड. वो बैंडिंग है जो ऐसे स्ट्रिप्स हैं एक बैंड दूसरा बैंड तीसरा बैंड उसको बैंड बोलते हैं. तो ऊपर वाले में बैंड स्ट्रिप्स होता है. हां तो स्ट्रिप्स लिख लो एक ही बात निकल गया पहले बोला. ठीक है अब जरा देखो कि
इसके अलावा यूनिन्यूक्लिएटेड हो गई फाउंड इन हार्ट These are found in heart. These are involuntary तो लिखा ही नहीं. These are in voluntary muscle. Voluntary. Found. These were tirelessly. ठीक है थ्रू आउट लाइफ इन रिदमिक मोशन वो देखा नहीं था जैसे हार्ट धक 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 वो वैसे ही नहीं चल रहा था उसमें जो पंपिंग हो रही थी और फिर हमने नाइट्रोजन में डाल के इसको फोड़ दिया इस पर टायर दसली ठीक है थ्रू आउट लाइफ टायर दसली थ्रू Out life under rhythmic motion. Rhythm किस चीज का contraction and relaxation. अगर वो contract करेगी ऐसे दबी तो जब ये दबेगी तभी तो blood को फेंकेगी और फिर relax होकर collect करेगी दबाई फिर collect की फिर दबाई बार बार आएगा उसमें ब्लड फिर से दबाएगी पहले ब्लड कलेक्ट करने के लिए क्या फैलना नहीं पड़ेगा फिर झटके से उसे छोड़ेगा तो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगी तो इसमें जो हार्ट है उसमें इस तरीके की मसल पाई जाएगी जैसे तो इसमें आप देख रहे हैं ये देखो हार्ट इस तरीके का होगा फिस्ट की तरीके का तो उसमें अलग अलग चैम्बर होंगे हाँ बड़ा होगा लेकिन उसमें अलग अलग चैम्बर्स होंगे और वो अपना अपना काम करते रहेंगे तो इसके अंदर की जो मसल्स हैं ये वो ठीक है लग जाएगा इतनी बात समझ में आ गई सर लग जाएगा अकर इन द लाइनिंग ऑफ ये कहाँ पाई जाती है लाइनिंग ऑफ हार्ट बाउंड इन हार्ट नीचे घटा दे लेट अस सी दीज मसल्स देखो हमारा दिल चलता भी एटी सम मसल मॉडल बंदा अंधा हो गया अपनी जगह बैठी है सृष्टि सही है क्या है
ये ऊपर है या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर ट्रॉफ काट दे ना मेरे को देखने का ये बोल देने का पहले से सर ये क्या है अरे निकल गया देख अभी or via connective tissue called tendons, and they are responsible for a variety of functions. Skeletal muscles produce voluntary movements, which are the ones that are under our control. जो skeletal muscle उसका दूसरा नाम क्या है? More coordinated movements, like running or swimming. आप बताइए इन तीनों में कौन सा नाम है skeletal muscle का? So the skeleton. Our skeletal muscles. दोनों नाम. Our posture. So what makes up skeletal muscle? You see that skeletal muscle is different from the cardiac and the movement muscle that will be examined later. In that skeletal muscles are multi-nucleated. This means they have multiple nucleus. What would happen then? Well, it would be quite bad as the complete digestion process would stop. Similarly, what if our lungs stop contraction and relaxation? Well, needless to say, that would cost us our life. So then, who helps us with these important processes of movement and locomotion? What would that be? Well, when we say movement, it means the muscles themselves have to perform contraction and उसमें रहोगे तो ना वो सीख पाओगे ना ये सीख पाओगे चलो ठीक है और किसी के पास है दे दो क्या और भी है चलो वो ठीक है ओके नाउ मस्कुलर टिश्यू देखो इसमें क्या ये सो फॉर दिस द सेल्स हैव प्रोटीन्स लाइक एक्टिन एंड मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जिसको एक्टिन एंड मायोसिन कहते हैं But this does this mean that the tissue will elongated होते हैं functions itself that their structure and nature is going to be different So what are the various types of muscular tissue? Well, for simplicity of biceps and triceps of arms. According to Healthline, the biceps and triceps make up a large majority. तो किसी भी ये सही रहेगा फिगर इसमें देखो कि यहाँ दिखाया गया है कि biceps क्या है और triceps क्या है इसमें क्या दिखाया गया है कि ट्राइसेप अलग है और बाइसेप अलग है आगे वाला बाइसेप और पीछे वाला क्या है ट्राइसेप तो उसके नाम से कुछ मतलब नहीं बस यही है बाइसेप आगे और ट्राइसेप पीछे और बीच में बोन है बीच में बोन है और आगे पीछे बाइसेप ट्राइसेप और किसी किसी में ये एक्सप्लोर भी रहती है ये जरा देखो कि इस हाथ में देखो आपको दिख रहा है कि अगर मान लो बाइसेप्स क्या है और ट्राइसेप्स क्या समझ में आ गई बात ओके नाउ लेट अस कम बैक टू अवर ओरिजिनल टॉपिक दैट इज स्टैंडिंग वी डिवाइड देम इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज स्ट्राइएटेड मसल्स ये देखो स्मूथ मसल्स
एंड कार्डियक मसल्स जैसे बंडल नहीं होता वैसे स्ट्रिएटेड है हमने एक बनाया बट एक नहीं होगी इतनी सारी होगी as the name suggests क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है when we stain this tissue and observe it under the microscope then it exhibits striations in the form of alternate light and dark bands When do we find this type pink by the way? Or dark pink we find these striated muscles attached to the bones. The legs, the arms, call them the voluntary muscles. Thus, striated muscles are called as skeletal muscles and voluntary muscles as well. These are found to have a technical cylindrical structure due to wrapping of the long muscle fibers together. Achal, iske char naam batao. Striated muscle ke. Char naam. चार किन किन नाम में जाना जाता है स्केलेटल और स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड स्ट्रिप्ड स्ट्रिएटेड वॉलंटरी स्केलेटल चार नाम है सर बट कार्डियक मसल भी तो स्ट्रिप्ड होती है होने दो बट वो स्ट्रिप्ड है ना तो इसे स्केलेटल मसल भी कुछ लोग कहते हैं कौन सा मसल स्केलेटल मसल भी बहुत जटिल है स्केलेटल वॉलंटरी मसल दिस आर यूज्ड इन अनरोट एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड इन नेचर अब ये देखो मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा आगे देखो ये कौन से मसल्स हैं स्मूथ और अनस्ट्राइएटेड बिकॉज़ एंड व्हाई इनवॉलंटरी है बिकॉज़ देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल सो व्हाट कुड बी देयर लोकेशन नाउ We find smooth muscles in the stomach, in the bronchi, in the uterus, and also in the iris of eyes. Now let's take a look at the last type, that is the cardiac muscle. We find smooth muscles in the stomach, in the bronchi, in the uterus, and also in the iris of eyes. Uterus में क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब बच्चे को पैदा करना होता है during delivery उसे बार-बार contraction करना पड़ेगा. तो ये अपने आप body movement करती है और naturally वो बच्चा बाहर आ जाता है सो यूट्रस यानी बच्चेदानी जिसमें बच्चा रहता है मदर्स वॉम जिसमें बच्चा ग्रोथ नहीं करता है तो दैट इज द पोर्शन तो उसमें अपने आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है एंड इट इज अभी तो सिजेरियन होने लगा है लेकिन पहले ऐसे होता था अब देखो These muscles perform rhythmic contraction and relaxation tirelessly throughout our life. This was about the three major types of muscular tissues, the striated, smooth and cardiac. अब हम आपको दिखाएंगे अगला. We will discuss nervous tissues in detail. Nervous tissue देखो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, okay? चलो, connective पहले पढ़ो. कनेक्टिव टिश्यू भी कई तरीके के होते हैं तो वो चार कौन कौन से तरीके कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर एरियोलर एडिपोस स्केलेटल और कार्टिलेज फ्लूइड नाउ अब इसमें एक एकलव्य जो एरियोलर है उनमें दो कौन कौन से आएंगे टेंडन एंड लिगामेंट ईशान टेंडन का काम बताओ लिगामेंट का काम बताओ टेंडन से जो मसल्स और बोन को अटैच करके रखती है जो अटैचेस मसल्स मसल्स टू बोन दो बोन्स को अटैच करती है लिगामेंट और ये लिगामेंट क्या काम करेंगे बोन को बोन से अटैच कर देगी ये बात सही बताई है अगर लिगामेंट टूट जाए चार महीने के लिए घर पे लोग बैठ जाते मालूम है सिर्फ लिगामेंट जुड़ जाए वहाँ पे कुछ लगाना पड़ता है पट्टी मोटी तो एक कच्चा प्लास्टर अटैचेस बोन टू बोन लिगामेंट बहुत मजबूत होता है ऐसे नहीं है कि ये खींच जाए और यहाँ से टूट जाए है ना और एडिपोस टिश्यू को बेटा क्या कहते हैं ध्रुव
ये फैट सेल से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ फैट सेल। फैट सेल कहाँ पाया जाता है सृष्टि? बॉडी में। That is just beneath the skin. Below the skin. Between internal organs. Found beneath skin. और उसका काम क्या है? Storage of fat. Storage. इनका काम क्या है? Storage of fat and also lets it act as an insulator. इंसुलेटर है, और कभी कभी अगर हम भूकंप में दबे रह जाए 15 दिन तो ये हमारा ये सारा फैट गल जाएगा। भूकंप में लोग 15-20 दिन बाद तो जिंदा निकलते हैं, तो उसमें यही जो फैट सेल है वो हमें एनर्जी देती रहेंगी, ये डिकम्पोज हो जाएंगी और हमको एनर्जी मिलेगी, हमारे बॉडी का सर्वाइवल होगा। अगर हम 15 दिन तक वो बहुत बहुत तो नहीं है स्टोरेज ऑफ, इसमें फैट है कि नहीं? तो वो बच जाएगा। तुम्हारे जैसे नहीं बचेंगे, जो मोटा होगा वो ही बचेगा। किसके जैसे? कार्टिलेज और बोन, बोन और फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज बोन जो बेंड हो सकती हो, और बोन जो हार्ड है। ब्लड और लिम्फ के बारे में भी देखेंगे, इन सभी के बारे में देखेंगे। लेकिन हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस चार चीजें बता दो कि कनेक्टिव टिश्यू के चार टाइप के हैं। इधर देखते हैं, एरियोलर, एडिपोज, एडिपोज फ्लूइड, स्केलेटल ऑफ फ्लूइड। बहुत अच्छा, स्केलेटल के दो टाइप बताओ। स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज, बोन जो बेंड नहीं होती और कार्टिलेज बेंड होती है। फ्लूइड के दो टाइप, लिम्फ और ब्लड, उसको सर लिम्फ। एरियोलर के दो टाइप हम बताएंगे, सही है। चलो सर लिम्फ सब बताएंगे, अभी तो कोई चीज बचेगी नहीं, बता देंगे। नाउ सबसे पहला है एरियोलर टिश्यू। क्या आपकी बुक में एरियोलर टिश्यू का डायग्राम बना हुआ है? नहीं। ठीक है सर, पहले कनेक्टिव की डेफिनेशन है, कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन है। चलो कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन है, सर है डी वाला, डी सिक्स। चलो चलो अभी आगे, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू किस काम में आता है? सो इट कनेक्ट्स और एंटर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। कभी ऐसे स्विच देखे हैं जिसमें ये निशान बना हो? एंकर का एंकर होता है, शिप का एंकर होता है। तो ये जैसे शिप है, तो शिप क्या करेगा कि अपना एंकर जमीन में डाल देगा, और वो करीब करीब 250 किलो का है, वो जमीन में धंसता चला जाएगा, शिप मजाल हिल जाए। कहते हैं कि एंकर डाल दो, तो जब एंकर डाल दिया वो 250 किलो का है, तो वो अंदर तब तक डाला जाता है जब तक वो मिट्टी में धंस ना जाए, उसमें धागा बहुत लंबा होता है। तो इसका मतलब है कि अब हमें इंजन नहीं चलाना है, अब यहीं पर रात तो इंजन बंद कर दो, एंकर डाल दो। तो वो एंकर अगर डाल दिया गया है तो वो फिर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो जमीन में धस जाएगा। ये लोहे का होता है, निकालेगा, मशीन होती है, मशीन उसको खींचेगी या चार आदमी चलाएंगे। अगर पाल वाली नाव है जिसमें कपड़े बंधे रहते थे पहले, कपड़ों से जिसका डायरेक्शन होता है ऐसे, तो उस केस में आदमी लोग उस एंकर को निकालते थे। बहुत मेहनत है, बहुत 250 किलो से ऊपर ऊपर, बड़े शिप में तो और वेट है।
तो इस तरीके से इट कनेक्ट्स, जहां कनेक्ट्स लिख रहे हैं वहीं पर क्या लिख लो, एंकर्स। एंकर्स का मतलब क्या समझते हो, ये बांधे रखता है, ये मसल को किससे बांधे रखेगा, या कोई भी चीज है किसी भी चीज को, इस बोन को इससे बांधे रखेगा। और टेंडन क्या काम कर रहा है, मसल को बांध रहा है, क्या चिपका, तो एंकर कर रहा है कि नहीं मसल। सो इस तरीके से वेरियस बॉडी ऑर्गन्स और क्या काम है, मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या करता है, इट ऑल्सो क्रिएट ए पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स। अगर बहुत सारे ऑर्गन पेट में, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, उनके बीच में पैकिंग होनी चाहिए कि नहीं। मान लो अमेजन से तुम्हारे पास चार सामान आते हैं, तो बीच में भूसा या थर्माकोल या कुछ भरा होता है कि नहीं, आपस में टकरा ना जाए। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में सब चीजों के बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज भी होगी जो पैक करेगा कि नहीं इसको। तो इन सब कोई भी अलग अलग ऑर्गन के बीच में कुछ पैकिंग होगी। पैकिंग का मतलब है ये कभी भी नहीं होगा कि हार्ट हिलता डुलता रहे। हार्ट लंग्स इनको पैक करना है, एपिथीलियल, ठीक है। मान लो जैसे इसमें ये देखो, किसी चीज का टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, और क्या है, फैट सेल, मेनली फैट सेल इसमें ये काम करते हैं। फैट सेल व्हाइट कलर का होता है। तो अगर मान लो जो मीट है, तो मीट जब ये लोग निकालते हैं, सुन लो, तो मीट में एक व्हाइट या येलो कलर का पोर्शन होता है, वो फैट है। मछली भी जो लोग खाते होंगे तो वो व्हाइट पोर्शन हटा देते हो, जानते हो फैट। तो कोई भी अगर किसी भी जानवर का मीट निकाला जाए, उसमें येलो येलो पोर्शन कोई आ जाए तो वो फैट है, उसको चाकू से हटा देते हो। पूरे बॉडी में जहां है डिफरेंट ऑर्गन की पैकिंग कौन कर रहा है, एडिपोज टिश्यू। ये तो हमने आपको बताया कि सिर्फ इसके नीचे है, लेकिन इसके अलावा भी हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में क्या डिपॉजिट है, फैट, फैट सेल्स, जो कि उसको कुशनिंग इफेक्ट देते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? चलो समझ में आ जाएगा, अभी वीडियो दिखा देंगे। एपिथीलियल पैकिंग करता है, और पैकिंग के बीच का जो भूसा है, जो थर्माकोल, मतलब ये अलग अलग ऑर्गन हिल हिल के टकरा ना जाए। हाँ, जो सुन लो, जो एम्प्टी पार्ट है बेटा, सुन लीजिए ध्रुव, उनको मत पढ़ाओ, आपसे ज्यादा जानते हैं, उनको बता रहे हो कि एडिपोज रहता। तो समझ में आई, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कौन सा टिश्यू रहता है, एडिपोज। देखो तो ठीक है, तो इट्स फंक्शन इज टू पैक वेरियस ऑर्गन्स। इट्स फंक्शन इज टू पैक, सपोर्ट एंड बाइंड। ये तीनों काम करता है वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, वेरियस, एंड कीप देम एट देयर प्लेस, keep them at their place. It is also, इसका और एक काम क्या है, its other function is also to transport various material within body. जैसे डाकिया डाक लाया, तो वो जगह जगह से पोस्टमैन लाता है कि नहीं, कनेक्ट करना है कि नहीं, एक तरीके से जो ब्लड है, क्या ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? इस तरीके से सो इट इज, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेरियस मटीरियल, सपोर्ट एंड के बाद क्या, विद इन बॉडी। ये जैसे ब्लड है, हर एक सेल को उनके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देगा, उनसे वेस्ट लेके कहाँ पहुंचाएगा, यूरेटर में, यूरिन में की जाओ। ये सब काम इनका, पहली चीज देखो, अब यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है आगे की चीजें, इनका काम क्या है, मसल है, उनको टेंडन जोड़ रहा है, सब आपस में जोड़ के रख रहे नहीं। तो इस तरीके से एरियोलर सपोर्ट एंड बाइंड, मतलब अलग से बांधे रखना, सब चीजों को क्या करके रख रहा है, बाइंड करके रख रहा है, ठीक है कि नहीं,
लोग जैसे करवाते भी है वो स्पाइरल स्पाइरल ठीक है, कहते बाइंडिंग करवाते वो बंद तो फिर ये जला दे सर अभी भी है क्या तो फिर हम वो उधर का बंद तो फिर तो हमारे पीछे आके बंद ज्यादा जो मेरे सर उधर का बंद कर नहीं होता चश्मे आ गए सर बंद ही करने के पड़ोगे क्या प्लीज सर वो वाला बंद कर दो चलो ठीक है ओके अभी ठीक है आगे देखें तो विद इन बॉडी अब आगे का काम करें कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट इज एरियोलर बात नहीं करो एरियोलर टाइप्स इसके एरियोलर हम लोगों ने देखा सो एरियोलर टिश्यू क्या है इट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इट इज बात ना करें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसका काम क्या है ठीक है अभी दिखाएं इट इज डेंसली पैक्ड ये किस तरीके से होता है इस चीज को आप अपनी बुक में देखें तो डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें बहुत सारे मास्ट सेल हैं 6.10 डायग्राम आप देख रहे हैं ए एंड बी तो ए डायग्राम देखो मास्ट सेल दिखाया गया कहाँ दिखाया गया ये वाला डायग्राम बी हड्डी देखो सो ओके अब एरियोलर टिश्यू किस तरीके का होगा जरा इसको देख रहे हैं सो नाउ इसमें क्या फाइब्रस प्रोटीन और कोलेजन होता है सौम्या नहीं होता है इसका मतलब ये जानती हैं नहीं तो बाद में एग्री ना करती कैसे ये जानती हैं इनके घर में नेट आता होगा इंटरनेट मतलब सबके घर में आता है अब ये देखो मेरा खुद का फोन अभी भी है ये यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं दिस इज मास्ट सेल ठीक है और क्या चीज है मैक्रोफेज फाइब्रोब्लास्ट ये बहुत अच्छा बता रहे थे इनकी इनके अभी अंडर ओके दिस इज प्लाज्मा सेल And it is collagen fiber. और एक वाला मैक्रोफेज और मैक्रोफेज और सर ग्रीन वाला फाइब्रोब्लास्ट ये फाइब्रोब्लास्ट है ठीक है और ये एरियोलर टिश्यू है दिस इज प्लाज्मा Now, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है एंड कंपोज्ड ऑफ ठीक है इट कंपोज्ड ऑफ कौन डिस्टर्ब कर रहा है क्यों डिस्टर्ब करें तुमको मना किया है फिर चार बात हम सुनेंगे कि क्यों चॉकलेट तुमने ली क्यों नहीं इट कंपोज्ड ऑफ
वैसे ही तुम्हारे नकली दांत हैं। इट्स कंपोज्ड ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर। जब भी चॉकलेट खाए तो पानी पी लें उधर से, क्योंकि व्हाइट कोलेजन फाइबर। और दूसरा क्या है? दैट इज येलो इलास्टिक फाइबर। सर ये तो दिखाया नहीं, रेटिकुलर। सर ये क्या है? येलो कलर दे, अभी दिखा रहे हैं। येलो इलास्टिक फाइबर, इसका मतलब है जो एल्वियोलर टिश्यू है ये इलास्टिक भी है। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? जितना खींचो फिर वापस आ जाए। और कोलेजन उसको मजबूती देता है, फाइब्रस, फाइब्रस कोलेजन है और येलो इलास्टिक है। समझ लीजिए, येलो इलास्टिक को फाइब्रस कोलेजन, इट इज येलो, व्हाइट कोलेजन है और येलो इलास्टिक है। यानी इसमें क्या चीज है? इलास्टिसिटी भी है कि खींचने पे बढ़ता है। दो तरीके के फाइबर है, सब फाइब्रस है। इट इज ऑल फाइब्रस। तो कौन कौन से दो है? एक येलो इलास्टिक और व्हाइट कोलेजन, व्हाइट कोलेजन फाइबर। सो इट कंसिस्ट ऑफ, फिर से देखो, नाउ वी विल सी दैट इज एरियोलर टिश्यू। According to Bijus, areolar connective tissue is the type of tissue which connects and surrounds different organs in the human body. अब देखें, तो इन दोनों के काम भी देखें। ये areolar connective tissue है, ये दो तरीके के होते हैं, एक dense होते हैं और एक कौन से होते हैं? Loose। तो loose हो गए tendon और dense हो गए, ध्यान से सुनिएगा, dense क्या हो गए? Ligament। तो यहाँ पर आप बहुत सारे fiber देख रहे हैं, तो इट इज स्टेन, तो इसको कलर किया गया तभी इसका ये कलर है। अब आगे देखें, नाउ और इसका एक्सटेंसिव नेटवर्क देखें। तो यहाँ पर आप क्या चीज देख रहे हैं कि मैक्रोफेज है जो बैक्टीरिया को खाता है, मास्ट सेल। मास्ट सेल का मतलब दैट इज लिम्फोसाइट, ये भी एक हमारी बॉडी में एंटीजन है जो पैथोजन को खा जाता है। फाइब्रोब्लास्ट देख रहे हो, तो दैट इज फाइब्रोब्लास्ट अलग है। और कोलेजन फाइबर देखो जरा, ब्लू कलर का, तो जो हमारे में व्हाइट कोलेजन फाइबर है एक्चुअली इसमें ब्लू दिखाया गया। इट इज ऑल स्टेन, अगर कलर ना किया जाए तो फिर हमें दिखेगा नहीं, सफेद जैसा दिखेगा कि नहीं। तो इसमें कोई स्टेनिंग की गई है, कलर किया गया है। तो कोलेजन फाइबर एक है और दूसरा इलास्टिक फाइबर, ठीक है। अब हम इनका काम देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। नाउ What is purpose of collagen fiber and elastic fiber? इन दोनों का मतलब समझो। Collagen आपने देख लिया? According to science.com, elastic fibers allow the resilient rebound of the stretched vessel wall, while collagen fibers provide tensile strength to the vessel wall. Of stretched vessel wall, while collagen fiber provide tensile strength of vessel wall. इसका मतलब है कि rebound, दो अलग अलग चीज बताई जा रही है। एक होता है कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कि ठीक है हमारा हाथ है, रखो कितनी किताब रखते हो, इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बोन क्या दे रहा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके लिए बोला गया है? कोलेजन। और एक है कि खींचो हाथ और वापस आ जाए, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। और एक है क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ। घोड़े पे कहते हैं गधे पे और लाद दो और लाद दो, चार बोरी और लाद दो, तो उसको जो सपोर्ट कर रहा है, या घोड़े घोड़े पे बैठ जाते हैं। तो टेंसाइल का मतलब क्या है? विच कैन बियर लोड, जो लोड ले सके। हाथ पे तुम अगर 10 किताब लेके ऐसे चल सकते हो तो ये क्या लोड ले रहा है? तो विच कैन बियर लोड उसे क्या कहेंगे बेटा? बेटा ठीक है, सो विच कैन बियर लोड उसको क्या कहेंगे? सो कोलेजन फाइबर में लिखें, क्या चीज लिखते हैं? कोलेजन फाइबर कैन बियर लोड, while elastic fiber can rebound back, rebound back जानते हो कि खींचे तो वापस आ जाए, ये ठीक है। आपको मालूम है कि वो जो एक्रोबैट करते हैं कि एक आदमी पे प्लैंक लगा दिया और 10 आदमी उसके ऊपर खड़े हो गए, तो उससे हमारी जो ये बोन है ये 0.1 mm तक दब जाती है, ये जो हमारी हीमर बोन है ये वाली। और फिर जब वो हटा दो तो वापस क्या होगा? अगेन ये फिर खुल जाती है। तो इलास्टिसिटी है कि नहीं बोन में? तो ये चीज,
तो कोलेजन फाइबर का बेटा क्या मतलब बताया? लिखिए वाइट कोलेजन फाइबर फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर इज टू गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी समझ में आ गया। बोलो मेटल में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है क्या? वो टेंशन ले सकते हैं क्या? उनपे पुल बनाया जा सकता है मेटल? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? वाइट कोलेजन ये है, इनका काम क्या बताइए? टू बियर लोड। ये कहाँ होंगे? ये बियर लोड ले सकें, ठीक है? सो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है टू बियर लोड, तो बियर लोड। और येलो इलास्टिक फाइबर क्या करते हैं? इलास्टिक फाइबर फॉर रिबाउंड बैक द स्ट्रेच्ड पार्ट, जो स्ट्रेच्ड पार्ट है उसे बाउंस बैक कर देंगे। तो मुझे ये दो बात बताओ कि जो एरियोलर टिश्यू है उनमें कौन से दो तरीके के फाइबर है? ठीक है, व्हाइट कोलेजन और सर येलो, व्हाइट कोलेजन है और येलो इलास्टिक फाइबर, दो तरीके के हो सकते हैं। येलो आप ये समझ लें कि इसमें अलग अलग से हम बना सकते हैं, येलो इलास्टिक है तो येलो हमारे पास नहीं है, लेकिन इस तरीके से अलग से फाइबर हो सकते हैं। दिस इज येलो इलास्टिक फाइबर। तो जो भी चीज है येलो इलास्टिक फाइबर का क्या काम है? इट इज कि अगर जैसे रबर बैंड खींचा जाए, आप इधर उधर ही कर रही हैं तो फिर कहां से सौम्य आए? समझना है तो समझ लो। So if it is stretched, then it regains its shape. ऐसा येलो इलास्टिक फाइबर में है। और व्हाइट कोलेजन क्या करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। दोनों का काम बताओ। व्हाइट कोलेजन फाइबर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं और येलो इलास्टिक फाइबर उसे इलास्टिसिटी देता। इफ इट इज स्ट्रेच देन इट ये क्या करता है? रिगेन्स इट्स शेप। अगर उसे स्ट्रेच किया जाए तो रिबाउंड बैक का मतलब क्या है? इफ इट इज स्ट्रेच गेनिंग इट्स शेप। इफ स्ट्रेच इफ अगर इसको स्ट्रेच किया जाए तो गेनिंग इट्स शेप। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ अब देखिए यही है। अब इसके दो पार्ट है, एक क्या है? टेंडन और दूसरा क्या है? लिगामेंट। सो टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन क्या होते हैं? जैसे कि इन इलास्टिक और ये किसको कनेक्ट करते हैं? मसल टू बोन। इट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। अगर मान लो एक बार मसल को बोन से तुमने खींच लिया मुंह से कि भाई हमने तो लेग पीस खा लिया या खींच लिया, तो क्या वो फिर से जुड़ जाएगी क्या? वो बस आप उसे खींचो तो वो बस अलग ही हो जाएगी, फिर जुड़ेगी नहीं वहां से। इसमें क्या है? इट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन इलास्टिक। ये कैसी है? इन इलास्टिक है। जबकि ये हाथ खींच लो और ये लिगामेंट बहुत मजबूत होता है ना, बकेट हम जब पकड़ते हैं
20 लीटर के, तो खींच जाता है फिर अपनी जगह आ जाता है कि नहीं, तो इट इज इन इलास्टिक। और ये कैसा है बताओ, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन डिफरेंसेस है ये सर, तो टेंडर में वाइट कोलेजन ज्यादा, वो मैं बता रहा हूँ। तो सर इन इलास्टिक है तो इससे क्या पता चलता है, मेड अप ऑफ येलो वाइट कोलेजन फाइबर, क्यों मेड अप ऑफ इन इलास्टिक है वाइट कोलेजन फाइबर, और ये किसमें होगा, ये किसके लिए है, मेड ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर। नाउ वी विल राइट सम क्वेश्चंस। सर किसका